Hey guys, welcome to our new channel Teja Vlogs. Welcome to our channel Teja Vlogs. तो फिलहाल हम लोग कोलवा बीच पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल तो मैं वेट कर रहा हूँ हमारी टीम का. वो लोग ड्रेसेस वगैरह चेंज अप करने के लिए गए हुए हैं और यहाँ के तकरीबन यहाँ पर 3 या 4 घंटों से देते हैं. गोवा पुलिस यहाँ पे लगातार दिख रही है. कुछ ही समय पहले यहाँ पे केजरीवाल और ममता बनर्जी भी आए हुए थे. आइए हम आपको गोवा पुलिस से मिल पाते हैं. तो आइए हम आपको गोवा पुलिस से मिलाते हैं. 3 जवान. एक्सक्यूज मी सर, गोवा, यू आर फ्रॉम गोवा पुलिस? आप लोग गोवा पुलिस से? मेरा न्यूज़ चैनल है ताप्ती अर्जुन. तो आप यहाँ पे डेली आते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर? ठीक है. और यहाँ के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप बकायदा उनका वो करते हैं? और घटनाओं के संबंध में अभी काफ़ी कमी आ गई होगी यहाँ पे? बीच में गवर्नमेंट काफ़ी छोड़ दिया था. चलिए ठीक है, थैंक यू. तो जैसा कि आपने अभी देखा हम लोग गोवा पुलिस के मिले हुए थे. अभी देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये एंट्री गेट है हमारे. जब हम लोग बीच वगैरह पर आते हैं तो ये हमारा एंट्री गेट होता है और ये एक व्यू है पूरा. हम आपको दिखा दें लाइक ये पूरा, ये पीछे जो आपको दिखा रहा हूँ इसको कोलवा बीच कहते हैं. और ये एंट्री गेट हो गया. अभी जो दिखा रहा है यहाँ पर कोलवा बीच है. और अब वहाँ पर ये देखिए पैराग्लाइडिंग्स और अन्य वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है. सभी लोग यहाँ पे छुट्टी मना. टुडे इज संडे सो देर इज सो मच क्राउड्स, सो मैनी पर्सन्स आर हियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू या सो यू आर सीइंग ये वाटर स्पोर्ट्स. जैसे कि आप देख रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स में और भी लोग दिखने लग गए हैं. हमारे व्यूवर्स को हम दिखाएंगे सूर्य दीदी के लिए विशेष व्यू, जरूर देखिए वो. और बस इतना ही काफ़ी है. उसके अलावा ये छोटा सा इन्होंने उसके लिए रखा है यहाँ पे. जैसे अगर आप बीच पर आते हो तो ड्रेसेस वगैरह चेंज करने के लिए इसके पीछे रहता है. आई थिंक फिलहाल 30 रुपीज़ पर पर्सन लगा है और 30 रुपीज़ पर पर्सन आप जाएँ अपने ड्रेसेस चेंज करें. इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर. घूमना है तो घूमें यहाँ पे. इसके अलावा यहाँ का सनसेट भी बहुत अच्छा है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं. फिलहाल सूरज तो काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे सनसेट वगैरह हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम आपको धीरे धीरे लेकर चलेंगे. अभी फिलहाल हम आपको, अभी हमने आपको एंट्री गेट से दिखाया था, अब हम छोटे छोटे गेट से जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे इधर तरफ से. ठीक है, अभी हमारी टीम पूरी की पूरी विश्राम कंडीशन में है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. फिर देखते हैं जो भी मिल रहे हैं. और अभी तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है लोग हमको ज़्यादा देख रहे हैं ब्लॉगिंग चैनल होने के कारण थोड़ी देर. तो ये कोलवा बीच का एक छोटा सा नज़ारा, ये बीच का एंट्री पॉइंट है. अगर आपको कोई व्हीकल से आना है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर, तो सबके यहाँ पे आप पे करें और यहाँ तक पहुँचे. और गोवा आए तो ज़रूर एक बार कोलवा ब्रिज ज़रूर आएँ. और ये हमेशा ऐसे रहता है, यहाँ पर सारे व्हीकल्स और सारी ऑल प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये शूट सब देख लीजिए. यहाँ पे आइसक्रीम वाले काफ़ी खड़े होते हैं, हम आइसक्रीम वाले से आपको मिलवाते हैं. एक बार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. और अभी हमने आपको गोवा पुलिस से मिलवाया था. गोवा पुलिस लगातार तैनात है आपकी सेवा में. यहाँ पर भी आपको गोवा पुलिस दिख जाएगी. जस्ट हेल्प अस टू हेल्प यू, आप लोगों की हेल्प के लिए ये लोग बैठे होते हैं. और अगर आपको यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम रहे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोवा पुलिस आपकी सेवा में बैठी हुई है. और आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम रहे, कुछ भी रहे, तो आप एंट्री गेट के यहाँ पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या बाकायदा ड्यूटी पर तैनात हैं.
और आइए हम आप इनको मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार, आई एम नितिन जय पटेल फ्रॉम ताप्ती अर्जुन न्यूज़ चैनल। सो आप देख रहे हैं अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी आए हुए थे। चुनावी माहौल है और हमें अच्छा लगा देखकर, हमारे व्यूवर्स भी ध्यान दें। इस तरह से अगर पुलिस जब अपनी ड्यूटी निभाते रहती है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अभी क्राइम रेट भी यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल में आ गया है गवर्नमेंट के हाथ में। सो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे रेजिडेंसीज भी है और सम रेस्टोरेंट एंड बार्स आर ऑल्सो अवेलेबल है। देन यहाँ पे सम आइसक्रीम, एक आइसक्रीम वाले भैया से हम आपको बात कर पाएंगे। नमस्कार, नहीं आइसक्रीम का आप हमको नॉर्मल बता दे, कैसा क्या रहता है आपका? अभी बच्चे लोग आएगा तब वो आपको बताएगा। छा जाओगे, बताओ आप जनरल तो बताओ। पेपर में नहीं, ये वीडियोज चलते यूट्यूब पे, YouTube वीडियोस है ये, YouTube वीडियो समझते हो, ब्लॉगिंग चैनल। आप बताना चाहते हो बता, नहीं मैं दूसरे के पास जाऊंगा। नहीं चाहिए नहीं, आप अपने बारे में बताओ, आपका नाम, आप यहाँ पे रेगुलर रहते हैं, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? शिवा। तो शिवा आप कितना कमा लेते हैं, इनकम आपकी पर डेली? दो सौ तीन सौ पर डेली, नहीं इतना तो नहीं हो सकता। आप कितनी आइसक्रीम बेच पाते हैं? हाँ तीस पैंतीस। और एक आइसक्रीम की वैल्यू कितनी पड़ती है आपको? पाँच रुपए कमाते हैं आप, तो 150 रुपए। आप दर्शकों को सही सही बताएं हमारे, मतलब आपका कहना है कि आप 200-300 रुपीज कमा रहे हैं? 200, तो टोटल 6,000 रुपीज हो रहा है आपका यहाँ। तो आप कितने बजे यहाँ पे खड़े हो जाते? गोवा के हमारे व्यूअर्स ध्यान दे, ये है शिवा जी और ये क्वालिटी वॉल्स करके इनकी छोटा सा ठेला लगाते हैं ये आइसक्रीम का। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, तो ये अपनी फैमिली का खर्चा भी उठा रहे हैं बराबरी से। और ये आइसक्रीम बेचते हैं तकरीबन सुबह 10-11 बजे आ जाते हैं आप, और जाते कब है? 7 बजे यहाँ से चले जाते हैं। तो ये 9 या 10 घंटे की ड्यूटी निभा रहे खुद के लिए, और ये खड़े रहते हैं आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये खुद से खड़े रहते हैं और हर आने जाने वाले को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करते हैं। चले मिलेंगे हम एक और नई शख्सियत से, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। बैठते आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के? क्या बन क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? हाँ नहीं रहते हो? दिल्ली से आए हो? दिल्ली में अभी किसकी पार्टी चल रही है? पार्टी के आप कितने साल के हो गए? 13 साल। हाँ तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा, पता रहना चाहिए, ये देश का भविष्य है हमारे, आने वाले अगले चुनाव में शायद आप वोट दे पाए। चले क्या नाम बताया आपने? अविनाश, शेख इस्लाम। चलो हम बाद में मिलते फिर, चले आगे बढ़ते हैं। हम अभी देखिए, अभी हाल ही में हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ममता बनर्जी वगैरह भी आई हुई, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ममता बनर्जी आई हुई थी, जो हमारे कोलकाता की हाल ही में पश्चिम बंगाल में काफ़ी सीटें इन्होंने जीती थी। और अभी मुझे पसीना भी आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत बोलते हैं जिसको हम, और यहाँ पे हम समुद्र के किनारे, तो देखो आप मेरी हालत देख सकते हैं। अभी हम काफ़ी मेहनत से हम आगे जा रहे हैं, फास्ट फूड कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं हम, और हम पूछते हैं कि यहाँ पे फास्ट फूड में क्या बन रहा है। और भेलपुरी पॉइंट भी लिखा हुआ है, भेलपुरी पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है। भैया आपके पास नाश्ता क्या क्या है? नाश्ता अभी कुछ नहीं, मैगी नूडल्स और ऑमलेट पाव है। मैगी नूडल्स और ऑमलेट पाव और अंडा भुर्जी, बस हमारा लड़का अंडा भुर्जी है। हम मुर्गियों की जनसंख्या भैया कम कर रहे हैं, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं खाएंगे। साउथ इंडियन में कुछ है भैया के पास? भेलपुरी पॉइंट है आपका? लड़का नहीं आया आज, लड़के के एब्सेंट रहने की वजह से भैया अनेबल है हमें सर्व करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भैया आपका नाम भी बता दीजिए। राज, ये राज है भैया, आप जब भी आए तो यहाँ पे आप जरूर पहुँचे। अभी हम आपको दिखा देते हैं इनका, है ना? चले भैया, क्या क्या जूस रखते हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है। आपका नाम? कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद जी है हमारे चैनल पे, हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप ही बताएं कि आपके पास पाइनएप्पल के अलावा काय का जूस है?
फिलहाल मेरे घर आवाज़ बैठी हुई है जैसे कि आपको पता है, और पिछले 3-4 दिनों से इसलिए मैं वीडियोस में कम डाल रहा था। और यहाँ पे चीकू है, एप्पल्स है और अनार भी हमको दिख रहे हैं, ऑरेंजेस भी है, कटलेट्स भी बनाते हैं, फ्रूट सलाद बनाते हैं। क्या प्राइस है? फ्रूट सलाद है और विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम भी बनाते हैं। चलिए अभी हमारी टीम वहाँ पे रुकी हुई है, मैं सारे बच्चों को लेकर जरूर आऊँगा। दर्शन प्रसाद जी, हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा इस पर? डिस्काउंट के बारे में भी हमें चाहती है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे लोगों ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया है।